साल फिर वापस सब लोग प्लीज प्रसाद दीजिएगा, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अच्छा शादाराम है क्या? यस सर। ग्रुप उड़ा ले। ठीक है सब आ गए। हाँ सब आ गए। सो फर्स्टली थोड़ा पीछे जाएगा तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है सर। सो फर्स्टली ये जो 10 दिन रहते काफ़ी अनोखे 10 दिन रहते हैं, एंड आज का मूवमेंट काफ़ी इमोशनल हो जाता है, ऐसा लग ही रहा है। टेल अस समथिंग अबाउट दिस 10 डेज फर्स्ट टाइम, एंड टेल अस अबाउट दिस वंडरफुल 10 डेज एनी वन ऑफ यू। यस आई थिंक यू नो फर्स्टली दिस इज आवर फर्स्ट ईयर, इट्स वेरी वेरी स्पेशल, एंड सर यू नो इट वॉज वेरी नाइस दैट हम लोग आरती में हम लोग सब एक साथ हम शाम में आरती कर रहे थे पूरी यूनिट, तो बहुत अच्छा लगा। एंड यू नो वी आर वेरी वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा। 10 दिन मतलब जब गणपति बप्पा जब आते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लगता है, एंड जो इन्वायरमेंट है, गुड वाइब्स है, एक अलग वो 10 दिन होते हैं। इस बार के 10 दिन में क्या स्पेशल था आप? फॉर मी इट्स स्पेशल बिकॉज मैं घर नहीं जा पाई हूँ अपने पापा के पास, तो पापा मेरे पास आ गए थे, सो इसलिए मेरे लिए बहुत स्पेशल था ये, और मैं पापा को बाय नहीं बोल सकती हूँ, सॉरी। आशीष जी बोलिए समथिंग। हाँ बोलिए। गणपति बप्पा मौर्य, जो माहौल है यहाँ पे सेट पे गणपति बप्पा की वजह से, आई थिंक पापा इज़ ब्लेसिंग अस फर्स्ट ईयर एंड मैनी मैनी मोर ईयर्स टू कम। आई मैं बस यही प्रे करूँगा कि पापा हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे और हम बहुत सभी सब अच्छे से यू नो प्रोग्रेस करें, एंड बस यही मेरी कामना है दुबई पापा से। गणपति बप्पा सर। यस गणपति बप्पा की ब्लेसिंग सब पर रहे। गणपति बप्पा मौर्य। गणपति बप्पा मौर्य। फॉर मी इज़ वेरी सुरियल, इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग एनी विसर्जन, मतलब यहाँ सेट पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। राजन जी भी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। मैं तो हमेशा इमोशनल ही रहता हूँ, आई एम एन इमोशनल प्रोड्यूसर, वी आर इमोशनल एक्टर्स, तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। और आई एम एज हेमंत सेड मेनी मोर ईयर्स टू कम, और बहुत सारे बार पापा आए हैं, हर साल पप्पा है इसी तरह आए और हमारे शो को और हमारी कास्ट को हमारी पूरी टीम को ब्लेस करके जाए। एंड आई थिंक कल सबसे ज़्यादा आना अजीब होगा क्योंकि मुझे आदत हो गई थी रोज सुबह आते ही सबसे पहले आरती करने की, प्रे करने की, कि दिन अच्छा चल रहा है, कल सुबह मुझे अजीब। राजन जी एक बस लास्ट मैं ये बोलूँगा कि जैसे हमारा हमेशा डीके पे मानना है कि आप कितनी भी मेहनत करो, आप कितने भी टैलेंटेड हो मेहनत हो, पर जब तक ऊपर वाले की आप पे कृपा ना हो, ब्लेसिंग नहीं हो, और माँ बाप का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद नहीं हो, कोई भी कार्य सफल नहीं होता। और यही हमारा मानना है। और बप्पा जो आते हैं वो 10 दिन हमारी कंपनी में सबको बांध के रखते हैं, और जो एक पॉजिटिविटी का माहौल होता है सिखाते हैं कि बस कर्म करते जाओ, मेहनत करते जाओ, और उनका आशीर्वाद मिलेगा, एंड भगवान करे सब तरक्की करेंगे। ऑल द बेस्ट टू बातें कुछ अंग्रेजी। यस राजन जी एक सवाल मेरा आखिरी सवाल था, जिस तरह हम पूरा दिन आज विसर्जन में आपके साथ थे, आपके तीनों शोज की मैं बात करूँ या फिर कोई भी फेस्टिवल की बात करूँ, यू ऑलवेज कॉल थैंक यू सो मच फॉर दैट। टेल अस समथिंग अबाउट द 3 शोज डूइंग सो वेल, हाउ डू यू लुक अप टू? बस यही है कि आई वॉन्ट टू थैंक थ्रू इन बिहाफ ऑफ एवरीबडी द मीडिया, द व्यूअर्स एंड द ऑडियंसेस, कि ऐसे हमें प्यार दीजिए, आपका प्यार मिलता है तो हम शोज़ बनाते हैं, और जो मेहनत करते हैं वो सफल होता है बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द ऑडियंसेस। तो वैसे ही आप देखते रहिए शोज़ हमारा, इन बातें कुछ अन कहीं सी इज जस्ट लॉन्च्ड एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, सो आप देखते रहिए एंड नीड योर अप्रिसिएशन एंड थैंक यू सो मच। पुढच्या वर्षी लोकप्रिया। थैंक यू। फोटो खींचनी है ना? अच्छा हाँ सॉरी, दोनों जगह ये रिश्ता में भी 2 यूनिट थे आज, भी लोरा में इधर इस तरह बजा भाई, उस साइड आ जाओ, सब एक ही साइड रहोगे नहीं नीचे बैठे राजा, सब लोग आ जाइए। जिसने मेहनत करी अभिषेक इधर देखिए एसोसिएट डायरेक्टर जी जो भी है सब आ जाए। गणपति बापा।
आजा जीतो आजा जल्दी आके तो ऐसे बैठ रहे हूं हां बैठो 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 मेले में मत घूम आजा चलो अभी कोई दे दो कैमरा अपना दिया किसी ने दे 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 ब्लैक वाला फोन सर ठीक है चीज रेडी ओके थैंक यू गाइस थैंक यू गुड नाइट एंड मे गॉड ब्लेस